अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल कटलेट्स। तो देखें, वेजिटेबल कटलेट्स जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, आलू चाहिए, गाजर चाहिए। आप कोई भी मौसम के हिसाब से गाजर ले सकते हैं, रेड वाली भी ले सकते हैं और ये ऑरेंज वाली भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए ये शिमला मिर्च, और ये चीज़ें चाहिए। चलिए सबसे पहले आलू को काट लेते हैं और इसे बॉयल करते हैं। एक डेगची में मैंने पानी डाला है और आलू मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। अगर काट के डालें तो इसका छिलका उतारना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन करती हूँ और इसको नरम होने तक पकाती हूँ। सबसे पहले हम गाजर के दोनों साइड्स काट लेते हैं और इसको छील लेते हैं। अब गाजर को हम कद्दूकश करेंगे। गाजर जो है वो कद्दूकश हो गई है, इसको साइड पर रखेंगे। और अब शिमला मिर्च को क्यूब्स में बारीक बारीक काटेंगे। आप इसको बारीक बारीक काट लें या आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी काट ली है, कद्दूकश कर लिया। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी। अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ और तब तक मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। आलू जो है वो बॉईल कर लिए, नरम हो गए हैं ये, और अब मैं इसके छिलके उतारती हूँ। मैश कर सकते हैं। आलू को मैंने मैश कर लिए। अब मैं इसमें डालूंगी नमक और काली मिर्च। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है। आप आलू के हिसाब से जितने आपने कटलेट्स बनाने आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। अब हम कटलेट्स बनाएंगे। आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं या जिस तरह से मैंने इस तरह से इसकी शेप दी है, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे भी बनाते जाएंगे। फ्राई करने के लिए, और साथ ही में मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना लिए।
अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अंडे में हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम सबसे पहले कटलेट्स को एग में डिप करेंगे दोनों साइड से, और फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और दूसरे खुश्क हाथों से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। फ्राई करेंगे। सब कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स और एग लग चुका है, अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। तो कटलेट्स रेडी हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।